सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक समय समय पर यूजर्स के लिए नए नए फीचर लाता रहता है। पैरेंट कंपनी मेटा जल्द ही फेसबुक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को बदलने जा रहा है। मेटा के नए अपडेट के मुताबिक अब प्लेटफॉर्म पर 3 क्रिएटर मोनेटाइजेशन की जगह पर सिर्फ 1 मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लाया गया है। इससे क्रिएटर पहले से भी ज्यादा आसानी से कमाई कर सकेंगे। फेसबुक पर मौजूदा मोनेटाइजेशन नीति के मुताबिक क्रिएटर्स 3 तरीके से कमाई कर सकते हैं। इसमें एड्स, रील्स और परफॉर्मेंस के आधार पर क्रिएटर्स को पैसे मिलते हैं। लेकिन मेटा ने अब क्रिएटर्स की कमाई करने के जरिए को और भी आसान कर दिया है। नए मोनेटाइजेशन नीति के तहत क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन के लिए अब सिर्फ 1 बार अप्लाई करना होगा। इसके बाद वे किसी भी तरह से प्लेटफॉर्म से कमाई कर सकते हैं। क्रिएटर्स मौजूदा समय में प्लेटफॉर्म से पूरी क्षमता के साथ कमाई नहीं कर रहे थे। मेटा ने हाल ही में इसकी जानकारी दी थी। ऐसे में अब क्रिएटर्स की सुविधा के लिए नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लाया गया है। मेटा के मुताबिक नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम मौजूदा प्रोग्राम की तरह ही काम करेगा। क्रिएटर्स इसमें अपने वीडियो, लंबी वीडियो, फोटो, टेक्स्ट फोटो और रील्स के माध्यम से कमाई कर पाएंगे। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि मेटा क्रिएटर्स को नया इनसाइट टैब देगा। इसमें क्रिएटर्स आसानी से अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट से होने वाली कमाई का डेटा रख पाएंगे। इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स ये भी पता कर पाएंगे कि किस पोस्ट या वीडियो से कितनी कमाई हुई है। इस समय में मेटा का ये नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम बीटा वर्जन पर उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे सभी के लिए लागू कर दिया जाएगा। दावा है कि लगभग 10 लाख क्रिएटर्स को इससे जोड़ा जाएगा, जो पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और कमाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहे इंस्टा फीड के साथ। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूले।